नमस्ते छात्र, अब हम एक व्याकरण पढ़ लेंगे। इस व्याकरण का नाम है वाच्य। अब हम वाच्य किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार हैं, वे क्या क्या है, उदाहरण, ये सब विषय को अब हम पढ़ लेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, इसके उत्तर को पहले हम पढ़ लेंगे, इसके बाद वाच्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर को पहले हम पढ़ लेंगे, इसके बाद वाच्य के प्रकार और उदाहरण को विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे। वाच्य क्रिया के जिस रूप से एक मालूम हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक मालूम हो कि क्रिया का मुख्य विषय, एक क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। इस तरह क्रिया के जिस रूप से, एक क्रिया के जिस रूप से हम क्रिया के जिस रूप से एक मालूम हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लेटर लिखता हूं, यहां क्रिया कर्ता के अनुसार है। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, यह क्रिया कर्म के अनुसार है। मेरे द्वारा अंसा नहीं जाता, यह कर्म अंसने के कारण क्रिया भाव के अनुसार है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य क्रिया के इस रूप से यह जाना जाता है कि उसका मुख्य विषय कर्ता है। क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। इसमें क्रिया के, एक क्रिया के लिंग, वचन, ये सब कर्ता के अनुकूल होते हैं। किसके अनुकूल होते हैं? कर्ता के अनुकूल होते हैं। इसका अर्थ है कर्ता के अनुकूल क्रिया के लिंग, वचन, ये सब होते हैं।
एक उदाहरण देख लेंगे। राजा खाना खाता है, लड़कियां पुस्तकें पढ़ेगी। इधर पगले वाक्य में खाना ये क्रिया कर्ता राजा के अनुकूल, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन है। राजा खाना खाता है, इस वाक्य में खाना खाता है क्रिया कर्ता राजा के अनुकूल, पुल्लिंग एक वचन है। दूसरे वाक्य में पढ़ेगी ये क्रिया अगले वाक्य में इधर है ना, खाता है एक क्रिया कर्ता राजा के अनुकूल, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन है। दूसरे वाक्य में पढ़ेगी एक क्रिया कर्ता लड़कियों के अनुसार, अन्य पुरुष स्त्रीलिंग अव बहुवचन है। ये दोनों कर्तवाच्य हैं। इस तरह क्रिया के इस रूप से एक जाना जाता है कि उसका मुख्य विषय कर्ता है। इसमें क्रिया के लिंग वचन किसके अनुकूल होते हैं, कर्ता के अनुकूल होते हैं। कर्मवाच्य क्रिया के इस रूप से एक जाना जाता है कि उसका मुख्य विषय कर्म है। क्रिया के लिंग वचन ये सब कर्म के अनुकूल होते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं वाक्य का उद्देश्य कर्ता ना होकर कर्म होता है, कर्ता ना होकर कर्म होता है। अब उदाहरण देख लेंगे। सीता ने रोटी खाई है, राम से चिट्ठी भेजी गई, यहां रोटी चिट्ठी ये प्रधान है। वाक्य की क्रिया ये काई भेजी गई, ये सब कर्म के अनुसार है। इस तरह क्रिया के इस रूप से ये जाना जाता है कि उसका मुख्य विषय कर्म है। क्रिया के लिंग वचन ये सब कर्म के अनुकूल होते हैं। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि वाक्य की क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता
या कर्म न होकर, कर्ता भी नहीं कर्म भी नहीं। मुख्य विषय कर्ता या कर्म न होकर भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म न होकर केवल ओनली भाव होता है। इस प्रकार क्रिया का मुख्य संबंध किससे होता है? भाव से होता है। इस तरह भी कह सकते हैं कि भाव पर बल दिया जाता है। अब उदाहरण देख लेंगे। मोगन से बैठा नहीं जाता, यहां केवल बैठा एक क्रिया पर ही बल है, अतः यहां भाववाच्य है। सीता से वन में चला नहीं गया, इधर देखिए बैठा नहीं जाता, मोगन से बैठा नहीं जाता, सीता से वन में चला नहीं गया, लड़कियों से अधिक नहीं बोला जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं गया, लड़कियों से अधिक नहीं बोला जाता। इस तरह क्रिया के जिस रूप से एक जाना जाए कि वाक्य की क्रिया के निदान का मुख्य विषय कर्ता या कर्म न होकर भाव है। मोगन से बैठा नहीं जाता, सीता से वन में चला नहीं गया, लड़कियों से अधिक नहीं बोला जाता। इस तरह वाच्य तीन प्रकार है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य क्रिया के इस रूप से एक जाना जाता है कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, राजा खाना खाता है, लड़कियां पुस्तकें पढ़ेगी, ये सब उदाहरण है। कर्मवाच्य क्रिया के इस रूप से एक जाना जाता है कि उसका मुख्य विषय कर्म है। कर्तवाच्य में मुख्य विषय कर्ता है, कर्मवाच्य इसमें मुख्य विषय कर्म है। भाववाच्य इसमें मुख्य विषय कर्ता या कर्म ना होकर भाव है। ग्रह कार्य वाच्य किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार हैं? उदाहरण दो। इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।